थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ समाना होता है। और दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, 100 में कोई एक दीवाना होता है। मंच पे तशरीफ फरमा शेख हसीन साहब, मंच पे तशरीफ फरमा सभी पार्टी के जिम्मेदार और इस जलसे गांव के अंदर तशरीफ फरमा हमारे सभी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही जैसी मेरी मां और बहने, सबसे पहले मैं शेख हसीन साहब की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से इस रौनकाबाद इलाके के अदारों का, जिम्मेदारान का, नुमानी नगर, महवी नगर, फिरदौसगंज, दातार नगर, नजमाबाद, अब्बास नगर, सलामताबाद और ऐसे पूरे इलाके के अंदर जितने मोहल्ले सोसाइटियां हैं जिन्होंने मेरा इस्तकबाल जामकुश सादात के पास से लेकर स्टेज तक किया, ऐसे सभी नौजवानों को मैं सलाम करता हूं। और मालेगांव शहर के आज इस बड़ी तैदाद के अंदर आए हुए मेरे नौजवान साथियों को मैं सलाम पेश करता हूं। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र की असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। और आप लोगों को और इस महाराष्ट्र की आवाम को यह फैसला करना है कि आइंदा सरकार किस पार्टी की बनेगी और मालेगांव शहर से कौन सा नुमाइंदा चुनकर जाएगा। आज मैं थोड़ी संजीदा बात ज्यादा करना चाहता हूं। आज यहां बहुत बड़ी तादाद हमारे बुजुर्ग हजरात यहां पर मौजूद है और उससे कहीं बड़ी तादाद हमारे नौजवान साथी यहां पर मौजूद है। आज जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे, जिस हिंदुस्तान के अंदर हम रह रहे, जिस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी 23 करोड़ बाहर निकालना, इस आदर्श हिंदुस्तान के अंदर हम 23 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के अंदर रहता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का वजूद खत्म हो चुका है। आज मेरा आप लोगों से सवाल है कि मुझे बताइए आप लोग कि 2014 जिस वक्त इस मुल्क के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी वजीर आजम बना, 5 साल हुकूमत चली, एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना क्या भारतीय जनता पार्टी से? एक भी बना होगा तो मुझे नाम बता दीजिए। 2014 से पहले हम बड़े गर्व के साथ ये बात बोला करते थे कि मुसलमान जिसे चाहेगा तख्त पर बैठाएगा और जिसे चाहेगा पैर के
2014 के बाद आज हमारे इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुसलमानों के बिगर हुकूमत चल रही है। दोस्तों, ये सोचने की बात है, कहा गए हम 40 करोड़ मुसलमान, आज हमारी हिस्सेदारी हुकूमत में नहीं है। 2014 के अंदर एक और चुनाव हुए, 23 महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के चुनाव हुए और आप लोगों ने मुझको एमएलए बनाकर उसी वक्त महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजने का काम किया था। आज मेरा आप लोगों से सवाल है, मेरे नौजवानों से सवाल है कि मुझे बताइए आप लोग कि 2014 से लेकर आज तक इस महाराष्ट्र की सरकार के अंदर, इस शिवसेना बीजेपी की सरकार में एक भी मुसलमान एमएलए चुनकर आया क्या? हमारे फिगर इस महाराष्ट्र की हुकूमत 5 साल चली दोस्तों, हमारा वजूद खत्म हो चुका है। इसी महाराष्ट्र के अंदर हैदराबाद की पार्टी ने कदम रखा 2014 में, 30 सीट लड़ाई, 35 सीट उन्होंने लड़ाई, 35 सीट, सीट कितनी छून कर आई? 2 सीट छून कर आई। हारे कितने? 33 हारे, लेकिन 33 हारने के साथ साथ इन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 33 उम्मीदवार को हराने का काम किया था और यही वजह है कि हमारा वजूद खत्म हुआ और ये महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही आज तक 5 साल तक। और ये जहां पर तकरीर करने जाते वहां के असेंबली के बाजू के हल्के पूरी तरीके से वहां का हिंदू एक हो जाता और मुसलमान को बांटने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फायदा पहुंचाने का काम इस महाराष्ट्र के अंदर किया गया और देश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव बिहार के अंदर जाकर आप लड़ाने की कोशिश करते। मुझे बताइए कि आपने बिहार में कौन सी सीट छून कर लाई? उसके बाद फिर आप इस महाराष्ट्र के अंदर दोबारा आए और आप अभी 100 से ज्यादा सीट लड़ा रहे, फायदा पहुंचाने के लिए मुसलमानों की ओर को बांटने के लिए फिर एक मरतबा तुमने सुपारी लेने का काम किया और यह महाराष्ट्र के मुसलमानों का सौदा करने का काम। आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है, असेंबली के अंदर बोलने की बात है, पार्लियामेंट के अंदर बोलने की ही बात है। मुझे बताओ, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, शहीद कर दी गई, कितने साल हुए? आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस का फैसला नहीं हुआ। 6 दिसंबर आता है, हम लोग एहतजाज कर रहे थे बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी सियासी दुकान छपाने का काम, बयान देने का काम इस हिंदुस्तान के अंदर और इस महाराष्ट्र के अंदर किया गया। मेरा सवाल है, हैदराबाद भारत के दोनों भाइयों से मेरा सवाल है और मालेगांव शहर के उन लोगों से भी सवाल है जो आज उनके मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। आप बताओ मुझको, बाबरी मस्जिद शहीद हुए, कितने कैद को अयोध्या गए? दोनों भाई भी कितने लिए अयोध्या गए? वहां के मुसलमानों
अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाकर सबसे बताओ महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे गया और मुसलमानों की तरफ से शेख आसिफ जाकर आया। इतना कम और कम इन फिरका परस्तों से लड़ने के अंदर हमारे अंदर है। मुझे बताओ मां प्रिंसिप के नाम पर बहुत बयान देते हो। मां प्रिंसिप की शुरुआत हुई, एक लाख का कत्ल हुआ, हाफिज जुनैद का कत्ल हुआ, उस वक्त तो याद करो इस हिंदुस्तान की तारीख में हमारे गांव के ये हमारे हजारों नौजवान, ये तारीखी शहर के नौजवानों ने मां प्रिंसिप के खिलाफ इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हमारे गांव से नासिक पैदल मार्च किया था। ये हमारे अंदर इतनी सलाहियत और इतना दम और दम है इसके चक्कर लेने के लिए तुम तो गिरना भी पार नहीं करे। उस वक्त तो यह मैंने अनुमान किया नासिक हम बदल गए। एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने मुझसे कहा कि आप गौवंश के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही, आप बीफ खाते हो क्या, यानी 12 नंबर खाते हो क्या। मैंने कहा काला नहीं चलता लाल चलता खाता है। हैदराबाद की बिरयानी पसंद नहीं है, मालेगांव का 12 नंबर का पुलाव बहुत पसंद है। और मुझे बताओ क्या असेंबली के अंदर अगर महाराष्ट्र की तारीख के अंदर एक एमएलए बता दो, एक एमएलए जिसने ये कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा, एक एमएलए बता दो। कोई महाराष्ट्र का एक एमएलए बताओ, इनके दो थे, इनसे जाकर पूछो कि इनकी एक वीडियो बताओ कि जय श्री राम नहीं बोलूंगा, कि मर्द मुजाहिद था आपका भाई तो मैंने असेंबली नहीं करता। आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर की सड़क को बचाने के लिए, इस शहर के हैदराबाद की ये पार्टी को वापस भेजना होगा जब हमारा वजूद कायम रहेगा। मेरी अपील करते हुए आखिर में जुमरात के दिन 3 तारीख को सुबह 12 बजे कांग्रेस कमेटी कुदवाई रोड से नई प्रांत ऑफिस तक फॉर्म नॉमिनेशन भरने के लिए जुलूस की सड़कों के अंदर जाना है और आप लोगों भी वहां पर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।